हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 26 मार्च 2023 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। रविवार का दिन है और नवरात्रियाँ चल रही हैं, तो आज हम एक अपने गांव पर मंदिर में जा रहे हैं, सेमथान में। सेमजू हमारे लोक देवता है, कहते हैं भगवान शिव के वो अवतारी हैं, तो उन्हीं के मंदिर में जा रहे हैं। वहाँ एक नया जो है गेट बना हुआ है, तो उस गेट का कुछ दिन बाद उद्घाटन होगा, तो वो पेंट पेंट कर रहे हैं गांव वाले। तो मैंने कहा हम भी चले जाते हैं, ब्लॉग भी बन जाएगा। दो चार दिन हो गए ब्लॉग भी नहीं बना है। और ये लमचूस खिलाया मुझे राजू भाई ने, 2 रुपये का लमचूस है। इसको चूसते हुए जा रहे हैं मंदिर की ओर, तो दिखाते हैं आपको। मंदिर में पहुंचते हैं थोड़ी देर बाद, और बहुत सुंदर मंदिर है, छोटा सा मंदिर है गाँव का, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत भव्य मंदिर। तो दोस्तों पहुंच गए हैं मंदिर में, देखो देवदार के यहाँ पे पेड़ हैं शानदार, और वो सामने मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पर पानी जमा हो रखा है, छोटा मोटा तालाब समझ सकते हो उसको आप। और घास हो रही है इसमें, हरी हरी घास हो रही है, देख सकते हैं ये कुछ ऐसी घास हो रही है। और लड़के वहाँ रंग चूना कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों, ये गेट नया नव निर्मित गेट है, नया नया गेट बना है अभी तो, अभी इसमें कलर होना बाकी है, खाली चूना लगाया है और झंडे भी नहीं लगे, तो अभी इसकी एक दिन पूजा होगी जब ये पेंट पेंट लग जाएगा उसके बाद। ये देखिए हमारे राहुल भाई बहुत मेहनती इंसान हैं, ये राहुल भी मेहनती हैं और ये राहुल भी मेहनती हैं। ये मंदिर देखिए दोस्तों, यहाँ पूरे देवदार के पेड़ दिखते होंगे आपको, ये ऊंचे ऊंचे पेड़, सीधे सीधे पेड़। ये देखो पुंछे से पेंटर लगाए, पुंछे से हमारे फौजी भाई जो अक्सर बंदूक चलाते हैं, आज चूना लगा रहे हैं, बुरुस चला रहे हैं हमारे रोहित भाई। देख सकते हैं आप कितनी सफाई से चूना लगाते हैं। तो दोस्तों काम के साथ चाय कॉफी भी जरूरी है, इसलिए अपन अभी चाय बना रहे हैं, माफ कीजिए कॉफी बना रहे, कॉफी। तो मैंने लड़कों को कहा तुम लोग काम करो, मैं बनाता हूँ बढ़िया कॉफी। तो ये देखिए एक उबाल आने देते हैं, उसके बाद इसकी चीनी चेक की जाएगी। ये देखो देवदार के पेड़ हैं पन्नी। तो दोस्तों अभी कॉफी एकदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं उबल गई है। अब सबको बांट देता हूँ। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 1:15 हो गए हैं, तो अभी आप देख सकते हैं पेंटिंग लगभग हो गई है, तो मंदिर जो है चमक गया है। पीछे देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे होंगे, ये देखिए ये नया वाला गेट है। अभी इसमें कल होगी पेंटिंग, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं अब खाना वाना खाने, तो आपको बाहर से दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये आधा हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि अभी बादल लग गए हैं और जो कलर है वो बढ़िया से फैल नहीं रहा है, एक जगह जम जा रहा, मतलब बढ़िया से नहीं हो रहा काम। तो अभी हम जा रहे हैं खाना वाना खाने घर, दोपहर का खाना खाने जा रहे हैं, और कल अब आएंगे, कल जब धूप खिलेगी तब आएंगे। अभी थोड़ा बादल देखो मौसम हो गया, थोड़ा बारिश टाइप का, इस टाइप का बारिश हो गया, देखो इस टाइप का मौसम हो गया, देखो कैसा मौसम हो गया, घनघोर बादल आ गए हैं चीड़ के पेड़ के ऊपर। ये देखिए हमारे रजिंदर भाई अपने काम को थोड़ा निहार रहे हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, तो बहुत ही बढ़िया मंदिर है, एकदम हाइट में है, सेमनाथ जी का मंदिर, सेमजू का मंदिर। अभी चलते हैं घर को, देखते हैं क्या होता है।
अभी मंदिर में भी जाना है, एक मीटिंग है छोटी सी, गांव की मीटिंग है, उसके बाद घर खाना खाने जाएंगे। तो दोस्तों ये है हमारा गांव और ये मंदिर है, यहाँ अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, पता नहीं पानी वानी की मीटिंग है कुछ। और ये गांव देखो हमारा कितना यहाँ से अच्छा लगता है, इस तरफ से बहुत ही सुंदर लगता है हमारा गांव। ये गांव है और आगे पूरे खेत 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 है, पहाड़ है। तो दोस्तों बीत गए रात के 9:30 और दोपहर में क्रिकेट खेलने चले गए थे, वापस आए तो फिर पता चला कि आज कहीं गांव में झोड़े होने हैं। तो अभी मैं एक दो दोस्त हैं हमारे, उनका वेट कर रहा हूँ, फिर जहाँ झोड़े हैं वहाँ चलते हैं। पता नहीं हो रहे नहीं हो रहे, यहाँ भी नहीं है, वो बहुत दूर है, कम से कम यहाँ से आधा किलोमीटर तो हो ही जाएगा चलते चलते घूमते फिरते। तो देखते हैं, पता करते हैं झोड़े क्या होता है, आपको आगे पता चलेगा थोड़ी देर बाद। रात के 9:30 हो रहे हैं अभी, देखते हैं क्या रहता है हिसाब किताब, कोई पता नहीं है झोड़े होंगे नहीं होंगे, होंगे तो अच्छा ही है। साजन का फूना तू कले देशो, साजन का फूना तू कले देशो, साजन का फूना तू कले देशो, साजन का साजन का पुना तू कले देशो, साजन का पुना मैं ता गोयो, साजन का पुना साजन का पुना साजन का पुनाजन का पुनेरी जो साजन का पुना साजन का पुने जो तेरी जो साजन का पुना मेरी सासु साजन का पुना जो तेरी जो तेरी जो साजन का पुना हो मेरी सासु साजन का पुना साल का पुना साजन का पुना साजन का पुना दोस्तों बज गए रात के 11 और झोड़े हुए थे, मतलब झोड़ा एक हमारा जो कुमाऊनी गायन है वो मतलब ग्रुप में गाया जाता है। तो अभी रात के 11 बज गए हैं तो मैं बहुत लेट पहुंचा था, तो थोड़ी देर बस मेरा मन रखने के लिए मैंने फिर से गाया हल्का फुल्का, और जब मैं गया उससे पहले ही जो असली मज़ा होता है वो ख़त्म हो गया था। मैं काफ़ी लेट पहुंचा क्योंकि मेरे आजकल मोबाइल में सिग्नल आ नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं लगा, तो फ़ोन भी किसी ने किया नहीं, वो फ़ोन कर रहे होंगे लेकिन मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा था, मतलब बंद ही आ रहा था। फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त से, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल से 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, टाटा बोल दो।
टाटा, जय श्री राम दोस्तों।